अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेसन नंबर 25 इज हेयर। एक्सेस टू रिकॉर्ड्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे, कोड एक्सेस टू रिकॉर्ड। अब कोड को किस तरह, मतलब कि रिकॉर्ड्स के लिए हम एक्सेस करते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोड्स को शामिल करना जरूरी होता है, जैसे कि चाइल्ड की कस्टडी का केस, कुछ क्रिमिनल केसेस, ठीक है, या जिसमें, जैसा हमने पहले पढ़ा कि कोई अगर बार बार थ्रेट दिया जा रहा है या लगता है कि ये बंदा हार्मफुल साबित हो सकता है किसी के लिए, तो इस तरह के केसेस जो कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। और वो किस तरह फाइल किए जाते हैं कि वो कंप्लीट एक रिकॉर्ड बनाया जाता है क्लाइंट का, जिसके अंदर फाइल और डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर प्लेस, डेट, टाइम वगैरह और विटनेस सब कुछ जो होता है वो नोट किया जाता है। उसके बाद फिर जो कोर्ट पे हायरिंग होती है, सुनवाई होती है, और फिर जज साहब पे ये डिपेंड करता है कि वो जुडिशरी होती है हमारी, वो क्या जो होता है वो उसके बारे में जैसा उन्हें बेहतर लगता है वो उसके उसके बारे में डिसीजन देते हैं। सीक्रेट्स ऑफ डेड पीपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम अब तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि क्लाइंट की हिस्ट्री को आपने रिवील नहीं करना, क्योंकि उसकी प्राइवेसी का मसला होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एक क्लाइंट आपका किसी तरह उससे उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर तो उसका कोई मसला नहीं है रिकॉर्ड शेयर करने से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उसके रिकॉर्ड को भी सेव रखना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसका राइट आपके पास कायम रहता है। जैसा कि उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दी है कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, थेरेपिस्ट था, उसने क्या किया कि उसके जो पेशेंट्स की डेथ होगी ना, तो उसने उसकी हिस्ट्री शेयर कर दी कि उसको ये मसला था और उसको डेथ हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से उसे 90 डेज के लिए उसके काम से रोक दिया गया था कि वो किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ आती है कि अगर कोई किसी क्लाइंट की डेथ भी हो चुकी है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमने ब्रीच नहीं करना। रिकॉर्ड एंड साइबर कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे बात हो रही है कि खुद साइबर क्राइम, ठीक है, कि इंटरनेट की वजह से, ये हाइकिंग्स वगैरह की वजह से, डाटा लीकेज की वजह से मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है इंटरनेट का, जिसकी वजह से जो डाटा है उसको सेव रखना इंटरनेट पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो नई टेक्नोलॉजीज को बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इंटरनेट पे कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो सेव रखा जाए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, बैकअप, इंक्रिप्शन वगैरह पे काम हो रहा है, लॉकिंग कोड्स बनाए जा रहे हैं सेल फोन्स के, और कुछ सेटिंग डेस्क, कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाए जा रहे हैं जो ऑटो लॉक हो सके। इश्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में क्या इश्यूज है, कुछ उन्होंने गाइडलाइंस बताई हुई है जिन एरर से हम अवॉइड कर सकते हैं कि आप ख्याल रखें कि आप कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो है वो इसे इंटर ना करें जो आपको पता हो गलत है, या उसको रिपीट ना करें, ठीक है। और अगर आप कोई रिकॉर्ड जो है वो आप कन्वर्ट करके अपलोड कर देते हैं तो उसको दोबारा रीचेक करें। अगर आपके डाटा में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं, वो बाद में आता है। वेन यूजिंग अ प्री फिल्ड, अगर कोई आप प्री फिल्ड कर रहे हैं फॉर्म्स को, तो आप मतलब कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करें, कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम कोई नया सिस्टम को अगर हम इंटर करने जा रहे हैं तो हम इंश्योर करते हैं डिजाइन को जो हमारे क्लाइंट्स के लिए क्लिनिकल नीड्स होते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिकल रूटीन फेलियर से हमें जो है वो अवॉइड करना है कि हमारे इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है अगर वो डेली ही खराब होती रहेंगी तो आप उसके उसमें जो डाटा होगा उसके एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और वही बात आ रही है नीचे कि अगर आपके सिस्टम को किसी भी तरह का मसला हो सकता है तो आपने ये समझना है कि आप किस तरह अपने डेटा तक एक्सेस लेवल ले सकते हैं। मेक श्योर दैट योर क्लाइंट अंडरस्टैंड द नेचर एंड सिक्योरिटी ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। और आपके क्लाइंट को भी आपने ये बात समझानी है कि जहां पे भी उसका रिकॉर्ड पड़ा है उसने उसका किस तरह उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड मैनेज केयर, या फिर उन्हें कुछ, अब थर्ड पार्टी का मैं आपको आगे जाकर आपको समझ आएगी ये जो इंश्योरेंस वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कुछ प्रोवाइडर और सर्विसेज होते हैं जिनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, जिसमें आप बताते हैं कि आपके क्लाइंट के क्या डायग्नोसिस है, उसके टाइप ऑफ सर्विस ऑफर्ड क्या है, डेट सर्विसेज टू प्लेस, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ये बातें हैं जो थर्ड पार्टी के साथ शेयर की जाती हैं। उसमें केस जो होता है वो मतलब फाइल में कंप्लीट जो आपका रिकॉर्ड होता है उस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करते हैं, जिसमें करंट की क्लाइंट की करंट सिम्टम स्टेटस होता है, ट्रीटमेंट प्लान्स की डिटेल होती है, एंड एटसेट्रा, अदर सेंसिटिव मटेरियल्स वगैरह होते हैं। अब ये होता क्या, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये जो लोगों ने अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है, अब इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है ना, ये आपसे कंप्लीट डिटेल लेती हैं आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका डाटा होता है ना उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई गारंटी नहीं रह जाती, ठीक है, आपकी प्राइवेसी का कोई गारंटी नहीं रह जाती, कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डिस्क्लोज करना पड़ती है। और जब आप अपनी तमाम उस प्राइवेसी को, मतलब फिर उसका ये होता है कि जो थेरेपिस्ट के जब ऑफिस से वो इंफॉर्मेशन निकल गई ना, वो कहते हैं उस मेरे उसके ऊपर मजीद कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, वो अब कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखती हैं
या नहीं रखते। अब यहाँ पे लास्ट पे थेरापिस्ट ये कर सकता है कि अगर उसे लगता है कि उसकी क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी मतलब नहीं शेयर की जा सकती किसी के साथ, लेकिन क्लाइंट जो है वो अपने इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो आप अपनी जेब से पे करें उसकी सर्विसेज को, उसे बोले कि वो इंश्योरेंस ना करवाए। एक्सेसिंग क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट, अब आप इंटरनेट पे किस तरह क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जो चीज़ें मैं अब आप लोगों को, मुझे पता है ये मसला आ रहा होगा कि जो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि मैं किस फिक्रे को ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने जिन्हें हाईलाइट किया होता है, पहली बात तो मैं उन्हें एक्सप्लेन भी कर रही होती हूँ, और दूसरी बात जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो हाईलाइट हुई होती है, और मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट को जो है वो आपके साथ ट्रांसलेट कर रही होती हूँ। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश के साथ पढ़ूँ फिर उसकी तर्जमा करूँ तो हमारा लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, फिर वो जो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँगी वो मुझे कम करनी पड़ेगी उसकी क्वांटिटी। तो इसलिए बेहतर है कि उसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन खुल के आपको तो बता सकूँ, आप लोग बस हाईलाइटेड पॉइंट्स पर फोकस रखा करें जब मैं बोल रही होती हूँ। उसके बाद फिर जब आप कंसेप्ट ले लेते हैं फिर आप सारे टॉपिक को खुद रिवाइज किया करें। अब क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर कैसे एक्सेस किया जाता है, हम सब जानते हैं कि हर किसी बंदे का इंस्टाग्राम फेसबुक पे अकाउंट होता है जिसपे उसके वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल्स और उसकी ऑफिशियल डिटेल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आप जो भी थेरेपिस्ट है जो इसे इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने क्लाइंट की तरफ से नहीं मिल रही, लेकिन वो जाके उसके अकाउंट से ले लेता है, ठीक है, उसके अकाउंट से इन्फॉर्मेशन लेके उसे इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे ये मसला आता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके क्लाइंट खुद नहीं दे रहा, ठीक है, वो आप जाके उसके डायरेक्टली उसके अकाउंट से ले लें तो, और उसको अपनी ही तरफ से जाके उसके ट्रीटमेंट के साथ अटैच कर दें, मतलब कि उसके ट्रीटमेंट में आपको जो समझ आपको उसके अकाउंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से आए उसको भी आप उसके ट्रीटमेंट के साथ जोड़ दें जबकि वो आपको क्लाइंट ने दी ना हो, तो इससे ये मसला हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट अफेक्ट हो, उसके रिजल्ट ठीक ना आए। जैसे करो यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताइए कि एक थेरेपिस्ट ने जिसने आर्ग्यू किया कि जो गूगलिंग है वो सबसे अच्छा है क्योंकि उसे उसे लगा कि मैंने जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो इतनी इंफॉर्मेशन वो मुझे नहीं देते अपनी प्राइवेट लाइफ की जितनी उनके वर्क प्लेस से जाके और जितने उसके ऑफिशियल अकाउंट से जाके मैं डेली रूटीन की उठा लेता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ लोगों का होती है ना वो डेली रूटीन की पोस्टिंग करते हैं इस तरह, या देखा जाता है कि ये बंदा किस किस्म की पोस्ट को लाइक्स करता है, किस किस्म के कमेंट का रिप्लाई करता है, तो वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जज कर लेते हैं इन चीज़ों से। तो उसने कहा कि गूगलिंग जो है वो एक वैल्यूएबल थिंग्स है क्लाइंट के ट्रीटमेंट के लिए, कि उतनी हिस्ट्री आपको क्लाइंट की तरफ से नहीं मिलती जितनी आप डेली लाइफ में जाकर उसके अकाउंट से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि ये बात सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि आप किस तरह उस इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को जो आप उसके डिफरेंट अकाउंट से भी ले रहे हैं, जो आपको क्लाइंट्स ने भी दी हुई है, आप हैंडल कैसे करेंगे, और उसको हैंडल करते हुए आपको एथिकली जो चैलेंजेस आएंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो जनाब यहाँ पे एंड होता है हमारा लेसन 25, मिलते हैं चल नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।